आज क्या हुआ, हम लोग खाली बैठे थे, हल्की हल्की धूप भी नहीं कर रही थी, ठंड भी बहुत है, तो बच्चे बोले कि चलो फ्लावर शो लगा है वो देखने चलते हैं। तो हम लोग बैठे गाड़ी में और आ गए। अब देखिए यहाँ फ्लावर्स से कितनी सुंदर सुंदर डेकोरेशन की गई है। देखिए कहीं पे ये तिरंगा बनाया गया है, ये योगा करते हुए आसन बनाया गया, ये तो पूरा महल जैसा ही बना दिया है। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। एक्चुअली इतनी ठंड है ना, तो थोड़ी बहुत धूप भी अच्छी लग रही है। देखिए मोर बनाया है, मोर तो बना लिया है, एक्चुअली अब इसको फूलों से डेकोरेट करना हुआ है। ये देखिए क्या है, दूध नहीं, ये तो सिलेंडर है गैस का। हाँ ये सिलेंडर बनाया गया है। आपको कौन सी कलाकृति ज़्यादा अच्छी लगी ये बताइएगा। कितने ही तरीके के फूल हैं यहाँ पर। ये क्या बनाया गया है, रॉकेट जैसा। ये वेजिटेबल्स हैं, पंपकिन है, और ये पिकाचू फ्लावर्स से पिकाचू बनाया गया है। ये देखिए आपको कैसा लग रहा है पिकाचू, कमेंट्स में बताइएगा। और आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है ये भी बताना। ये देखिए कितना सुंदर है, ये देखिए कितने ही तरीके के फूल हैं यहाँ पर। ये पूरी दीवार डेकोरेट की गई है फूलों से। ये देखिए, ये देखिए तो कितनी ही चीजें बना दी हैं फूलों से। ये देखिए ऐसा पूरा महल जैसा बना दिया है, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए हर कोई ऐसे फूलों के महल में रहना चाहेगा। बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए क्या क्या कलाकृति की है, फूलों के ऊपर ये मुखौटे लगा दिए गए हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा है। ये क्या बनाया है, इसके ऊपर अशोक स्तंभ लगाया गया है। ये देखिए पास से देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए बहुत सुंदर है, गजब कलाकृतियां बनाई गई हैं फूलों से। ये है बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। ये देखिए ये उसकी याद दिला रहे ना, मिथुन दा का वो गाना था ना, आई एम ए डिस्को डांसर। ये हाथी बना दिया पत्तियों से और उसके ऊपर छोटे छोटे थोड़े से फूल लगा दिए हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए ये सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए हैं।